तुम बीजों के बारे में कुछ जानना चाहते थे, बताओ बीजों के बारे में क्या जानना चाहते हो? भैया मुझे यह नहीं पता कि एक छोटा सा बीज इतने बड़े पौधे में कैसे बदल जाता है। अच्छा, तो तुम बीज और उनके अंकुरण के बारे में जानना चाहते हो, है ना? हाँ भैया। तो बीजों के अंकुरण के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें बीजों के भागों के बारे में बताता हूँ कि बीजों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। देखो हमारे पास एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बीज में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ये देखो, ये जो एक बीज है, इस बीज का जो सबसे बाहरी भाग होता है जिससे बीज ढका रहता है, इसको कहते हैं बीज चोल। क्या कहते हैं शौर? बीज चोल। हाँ, इस बाहरी भाग को हम बीज चोल कहते हैं। और फिर जब इस बीज चोल को हटा देते हैं और बीज को खोलते हैं तो ये दो भाग दिखाई देते हैं। यह है इसके बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। हाँ, इन्हीं बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों बीज पत्रों के मिलने के स्थान पर एक भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं भ्रूण, और इसी भ्रूण से नन्हे से पौधे का जन्म होता है। ठीक है, तो नन्हे से पौधे का जन्म किससे होता है? नन्हे से पौधे का जन्म भ्रूण से होता है। बिल्कुल ठीक कहा शौर। देखो, बीजों के भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम बीजों को भिगो देते हैं और एक दो दिन बाद हम इनका निरीक्षण करते हैं तो हमें बीज के भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। देखो, मैंने कुछ बीज एक दो दिन पहले भिगोए थे, मैं तुम्हें उनके भागों के बारे में बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास कुछ बीज है, ये देखो, ये हमारे पास बीज है भीगे हुए, और ये देखो शौर, अब हम ये जो बीज का भारी भाग है इसको क्या कहते हैं? बीज चोल। हाँ, बीज चोल कहते हैं। अब हम इस बीज चोल को हटाते हैं, चिमटी की सहायता से धीरे से इस बीज चोल को हटाते हैं। ये देखो ये हटा दिया हमने। ये देखो, धीरे से बीज चोल को हटा देते हैं। ठीक, तो ये भाग हमें दिखाई देने लगता है, ये बीज है। ठीक, अभी हमने क्या हटाया? बीज चोल को हटाया। ठीक, अब हम इसको सावधानी पूर्वक खोलते हैं बीज को। देखो, बीज को हम इसे सावधानी से खोलते हैं। ये देखो, हम दिखा रहे हैं, ये देखो, इसको हमने खोला। अब ये दो भाग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? बीज पत्र। हाँ, इनको हम बीज पत्र कहते हैं। अच्छा, इन बीज पत्रों के मिलने के स्थान पर एक भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। बिल्कुल ठीक कहा सर, इनको भ्रूण कहते हैं। तो अभी तुमने क्या देखा? बीज चोल और बीज पत्र और भ्रूण। अच्छा अच्छा, अब सर ये बताओ कि बीज में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? बीज में तीन तरह के भाग पाए जाते हैं। हाँ? एक है बीज चोल, दूसरा बीज पत्र। हाँ? और तीसरा भ्रूण। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सर। और इस भ्रूण से हमारा नन्हा सा पौधा जन्म लेता है, लेकिन यह नन्हा सा पौधा कैसे जन्म लेता है अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ। ठीक है, यह भी हम तुम्हें एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये देखो, अच्छा, ये भाग जो तुम्हें बाहर वाला दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? बीज चोल। बिल्कुल सही कहा, बीज चोल। अच्छा, इस बीज से यानी बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उससे एक भाग निकलता है, इसको हम कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर कहते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा भाग निकलता है, इसको हम कहते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं इसको? प्रांकुर। और ये जो मूलांकुर है आगे चलकर जड़ों का निर्माण करता है। देखो, इसमें छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं, दिखाई दे रही है? हाँ भैया। हाँ, और इस मूलांकुर से ये जड़ें निकल रही हैं, और इसके ये देखो ऊपर एक तन, जो प्रांकुर है, ये देखो प्रांकुर, प्रांकुर से क्या निकल रहा है? तना और पत्तियां। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये पौधा जन्म ले लेता है। देखो हमारे पास, ये देखो आम का
है पौधा, इसमें देखो ये बीज है आपका, और इस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? प्रांकुर। इस बाहरी आवरण को बीज चोल कहते हैं। देखो बीज चोल है। अब इस बीज चोल को हटा देंगे तो बीज हमारा कैसा दिखाई देने लगता है? देखो ये इस तरह का बीज दिखाई देता है, है? और देखो ये भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर। इस भाग को कहते हैं मूलांकुर। इससे क्या निकलती है? छोटी छोटी जड़े निकलती हैं। और ये ऊपर देखो गुलाबी रंग का नया भाग दिखाई दे रहा है। इस भाग से इसे क्या कहते हैं? प्रांकुर। और प्रांकुर से क्या निकलता है? तना, तना एवं इसकी पत्तियां। तो इस प्रकार हमारे नन्हे से पौधे का जन्म हो जाता है। और बताओ शौर, अब क्या पूछना चाहते हो? भैया मेरे घर में तो बहुत सारा गेहूं है, मगर वह तो अंकुरित नहीं होता, क्या वो निर्जीव होता है? नहीं शौर, ये बीज जो होता है वो निर्जीव नहीं होता, इसमें भी जीवन होता है, ठीक है? लेकिन बीजों के अंकुरण के लिए कुछ परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। जब तक ये अनुकूल परिस्थितियां इसे नहीं मिलती, यह अंकुरित नहीं होता। पता है ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? देखो हम तुम्हें बताते हैं ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। भैया कौन सी परिस्थितियां? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। देखो सबसे पहले बीजों के अंकुरण के लिए हमें उचित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है? उचित मात्रा में जब बीजों को जल मिलता है और उचित मात्रा में वायु मिलती है और उचित मात्रा में जब ताप मिलता है तब बीज अंकुरित होता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां होना आवश्यक है? उचित मात्रा में जल, उचित मात्रा में वायु और उचित मात्रा में ताप। इन तीनों जब परिस्थितियां हमें मिल जाती हैं, यानी बीज को मिल जाती हैं, तो बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक है? तो अब समझ में आया तुम्हारे कि बीज कैसे अंकुरित होता है? अच्छा, और इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्रयोग करके बताता हूँ, उससे तुम और अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो हमारे पास कुछ बीज थे, ये देखो बीज है, ठीक है? इन बीज को हमने स्केल पर लगा दिया। ये तीन बीज है, इनको हमने रबर बैंड की सहायता से एक स्केल पर लगा दिया है, ठीक? अब हम क्या करते हैं, एक गिलास में पानी लेते हैं। ये देखो गिलास में हमने पानी लिया और इस पानी में हम कुछ बूंदे जल वो तेल डाल देते हैं, तेल की बूंदे डाल देते हैं। पता है शौर ये तेल की बूंदे क्यों डालते हैं? हाँ भैया। हाँ बताओ। ताकि बाहर की वायु अंदर ना आ सके। बिल्कुल ठीक कहा शौर, ये तेल की बूंदे हम इसलिए डालते हैं कि बाहर की वायु अंदर प्रवेश ना कर सके। अब हम क्या करते हैं, इन स्केल पर लगे हुए बीजों को जल में रख देते हैं, ठीक? इस प्रकार रखते हैं कि जो नीचे वाला बीज है वो पूर्णतः जल में डूब जाए, ठीक? बीच वाला बीज का कुछ भाग जल में डूबा हुआ हो और कुछ भाग बाहर हो, ठीक? और ये जो ऊपर वाला बीज है ये जल के बिल्कुल संपर्क में ना हो, ठीक है? तो एक दो दिन तक इसे ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ठीक? एक दो दिन पश्चात इसका निरीक्षण करते हैं। जैसे मैंने दो दिन पहले ऐसे ही एक बीज को, तीन बीजों को रख दिया था, अब देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। देखो शौर अब बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भैया नीचे वाले बीज में तो बिल्कुल अंकुर नहीं है। हाँ। यानी कि वह अंकुरित नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि उसमें उसको सिर्फ जल और ताप मिल रही थी और वायु नहीं मिल रही थी। हाँ। और ऊपर वाले बीज में बिल्कुल नहीं जल मिल रहा था और सिर्फ वायु और ताप मिल रही थी। हाँ इसलिए अंकुरित नहीं हुआ। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें दो बीज हमारे अंकुरित नहीं हुए, एक तो नीचे वाला बीज अंकुरित नहीं हुआ, एक ऊपर वाला बीज अंकुरित नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं अंकुरित हुआ नीचे वाला बीज? क्योंकि इसे जल तो मिल रहा था, है? और ताप भी सामान्य था, लेकिन इसे वायु नहीं मिल रही थी। वायु क्यों नहीं मिल रही थी सौर बताओ? इसलिए क्योंकि इसमें एक दो बूंदे तेल पड़ा हुआ। हाँ, तेल की वजह से बाहर की वायु अंदर प्रवेश नहीं कर सकी, इसलिए वायु के अभाव में ये अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन ये जो ऊपर वाला बीज क्यों अंकुरित नहीं हुआ? क्योंकि इसे वायु तो मिल रही थी और इसे ताप भी सामान्य था इसके लिए, लेकिन इसे जल नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बीच वाला बीज अंकुरित हो गया, ये देखो अंकुर निकला हुआ है इसमें, ये क्यों अंकुरित हो गया?
क्योंकि इसे तीनों चीजें मिल रही थी। कौन कौन सी? वायु, जल और ताप। हाँ, इसे तीनों चीजें प्राप्त हो रही थी, इसलिए ये अंकुरित हो गया। तो अब समझ में आ गया शौर, ये बीज किस प्रकार अंकुरित हुआ? हाँ भैया। देखो शौर, एक बात और हम तुम्हें बताते हैं कि बीज को अगर अत्यधिक ठंडे स्थानों पर रखा जाए या अत्यधिक गर्म स्थानों पर रखा जाए तो भी ये अंकुरित नहीं होते। इसका कारण यह है कि बीजों के अंकुरण के लिए तापमान जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और 50 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर यह ताप इन्हें नहीं प्राप्त होता, यह सामान्य ताप अगर इन्हें नहीं मिलता तो यह अंकुरित नहीं होते। अगर हम इन बीजों को फ्रिज में रखते, ठीक है, या फिर बर्फ में रख दें जहां तापमान बहुत कम होता है ना, तो ये अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि वहां अत्यधिक ठंडक है, इसलिए अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण के लिए सामान्य ताप, उचित मात्रा में जल और उचित मात्रा में वायु होनी चाहिए। हाँ, अच्छा सॉरी, तुम्हारी समझ में क्या आया बताओ? भैया, मुझे यह समझ में आया कैसे एक नन्हा सा बीज एक बड़े से पौधे में बदल जाता है।